हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है कल की डेट में कोई वीडियो नहीं आ पाई जस्ट बिकॉज आई वाज बिजी तो उसके लिए माफी चाहूंगा बट आज की डेट में ये पहली वीडियो हमारी आ रही है और ये वीडियो एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड है uh, नाम आपने देख ही लिया होगा कंपनी का नाम है यहाँ पर आदित्य विजन करती क्या है उससे रिलेटेड बातें करेंगे और क्यों ये बता रहे हैं इसके जो चार्ज कुछ कह रहे हैं उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फॉर अवर आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें जितना हो सके

आदित्य विजन का बिजनेस मॉडल क्या है वो समझ लेंगे तो देखिए आदित्य विजन आदित्य विजन लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन 1999 ओके इज इंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड इज अ सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन इन बिहार डीलिंग इन कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल काइंड्स इन द इट इज द फर्स्ट एंडली कंजूमर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन बी एस तो हम क्या आप बताना चाहते हैं तो सिंपल से मतलब है ये जैसे आपने रिलायंस डिजिटल देखा होगा आपने यहाँ पर क्रोम देखा होगा ओके okay, इसी तरीके से ये भी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि यहाँ पर बिहार और वहाँ के आसपास के एरिया में जैसे कि झारखंड यहाँ पर ये डील करती हुई दिखाई देती है नाइनटीन में इनकॉपरेट हुई थी और ये स्टॉक्स आज से अगर मैं बात करूं आठ नौ महीने पहले बड़ा फेमस हुआ था क्यों फेमस हुआ था उसके पीछे का रीजन ये है कि ये स्टॉक्स की कीमत कभी बारह रुपये हुआ करती थी बारह रुपए से लगातार अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट लग के ये स्टॉक्स पंद्रह सौ सो और सोलह सौ सो रुपये तक तो पर गया था और उसके बाद से यहाँ पर अभी लगभग छह सौ पचहत्तर रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो अभी हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है उससे रिलेटेड यहाँ पर बाइंग करेंगे बट एक डिस्क्लेमर है इसमें मैं अपनी पोजिशन ऑलरेडी बना चुका हूँ तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन आप लीजिएगा तो देखिए जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं जैसे कि टीवी फ्रिज लैपटॉप या फिर जो मोबाइल फोन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ये एक पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पर सेल आउट करती हुई दिखाई देती है अपने स्टोर्स पे तो इनके एक पर्टिकुलर स्टोर है जैसे कि आपने विजय सेल्स का नाम सुना होगा आपने रिलायंस डिजिटल आपने क्रोम का नाम सुना होगा इसी तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनी भी नजर आती है कंपनी सेल मोर देन टेन थाउजेंड प्रोडक्ट रेंजिंग ऑफ डिजिटल गैजेट लाइक ये पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी है शोरूम की बात करें तो यहाँ पर देखिए ओपन ट्वेंटी वन फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर द कंपनी ओपन ट्वेंटी वन न्यू शोरूम एंड हैड सिक्सटी फोर शोरूम एट, uh, as a march of 2000 2021 ओपन okay, करने वाले है. Uh, तो पर दे है, 75 शोरूम पर अगर देखे तो यहाँ पर एक न्यूज भी आई है ओपन सेवेंटी सिक्स शोरूम इन दर तो कल की ही पर आज की ही डेट है ओके okay, आज का ही ये न्यूज है कि यहाँ पर कंपनी ने कितने यहाँ पर अपना 76 जो यहाँ पर इनका विजन था वो पूरा और कंपनी जब एक विजन रखती है ना याद रखिए 75 का विजन था यहाँ पर कितने इन्होंने खोल दिए 76 जब इस तरीके का विजन होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहे होते हैं तो याद रखिए ऐसी कंपनी के शेयर आगे चल के बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं तो इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं और इस तरीके के शेयर काफी चलते भी है यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट पर तो नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही थी इशू आ रहा था बट यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स दे रखे है अलग अलग यहाँ पर ऑफर्स देते रहते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख भी सकते हैं बिहार में धूम मचाने वाली आदित्य विजन की पूरी कहानी तो इस तरीके से इनके शोरूम्स हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर चीजें मिल जाएगी एज वेल एज यहाँ पर यहाँ पर अलग अलग ऑफर भी बना दिखा देते रहते आदित्य विजन का धमाका बिना पैसे करे खरीदारी तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड दे रखी है तो एक बार जाके इनकी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं एज वेल एज यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर एक बार इनकी वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर एक एस एम ई एस एम ई प्लेटफॉर्म वाला एस एम ई आई पी ओज आता हुआ दिखाई दिया था है वहां से अब बात करें तो लगभग आठ सौ बारह करोड़ की कंपनी हो गई है लगभग माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के आसपास कंपनी जाने वाली है तो ऐसे ही हम आ, कभी जब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे में शेयर या तो बर्बाद कर देंगे या फिर आबाद कर देंगे तो ये आबाद करने वाली कंपनी है यहाँ पर कुछ पॉइंट इनके फाइनेंशियल की बात करें तो 812 करोड़ की कंपनी कंपनी है 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 ओके माइक्रो कैप कैप बट स्मॉल के पास में ही है। और लगभग बहुत ज्यादा इनका शेयर करोड़ पर टूट भी चुका है यहाँ पर अगर बात करें तो इसके अलावा आर और आर की बात करें काफी बेहतरीन अड़तीस वन का जो की यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखाता है डेट की बात करें कंपनी के बाद लगभग नाइनटी का डेट है और यहाँ पर जितने भी शेयर है इनके पास लगभग सेवेंटी के शेयर है इनके सेवेंटी परसेंट के शेयर में फोर्टी परसेंट के शेयर इन्होंने यहाँ पर ओवरऑल प्लेस कर रखे हैं। तो एक यहाँ पर नेगेटिव बात यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़ा यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ इसमें आपको इन्वेस्ट अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें इतना ही इन्वेस्ट करिएगा कि आपको डूबने का डर ना हो क्यों क्योंकि यहाँ पर बारह रुपए से शेयर यहाँ पर सोलह सो गया सोलह सो सो से अभी छह सौ पचहत्तर रुपए यहाँ पर चल रहा है एज वेल एज यहाँ पर प्लेसिंग परसेंटेज भी है यहाँ पर डेट भी ज्यादा है बट यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी उसी तरीके से तो जैसे कि माइक्रो कैप में मैं हमेशा बताता हूँ या तो शेयर यहाँ पर नीचे गिरते हुए नजर आएंगे या सीधे ऊपर भागते हुए नजर आएंगे तो ये आपका खुद का रिस्क है वो आपको खुद सोच के समझ के यहाँ पर काम करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट पैटर्न वन ईयर का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं ओके पंद्रह

की बात करें तो पिछले साल में फोर्टी परसेंट की, है और हम पर 40 की कहते हैं कि 40 की CAGR एवरी ईयर मिल जाए तो आपका पैसा कितना हो जाएगा आप खुद नहीं सोच सकते सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स कोविड की वजह से यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी बट उसके बाद लगातार यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दी और अभी की बात करें तो दो करोड़ की दिसंबर में सेल हुई है जो कि हाईएस्ट एवर है पिछले अगर हम देखें तो लगभग लगभग लग लग आठ नौ नौ क्वार्टर में एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें सात परसेंट का है जो कि क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे यहाँ पर काफी अच्छा है जो कि हमें यहाँ पर देखना चाहिए प्रॉफिट की बात करें कंपनी का प्रॉफिट भी यहाँ पर क्वार्टरली और एनुअली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है और ईयरली बेसिस पे भी अच्छा खासा दिखाई देता है और ईपीएस की बात करें क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे ईपीएस भी अच्छा खासा है सेल्स की बात करें ईयरली बेसिस पे तो कंपनी एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है देखिए 69 करोड़ फिट हंड्रेड करोड़ वन ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स फोर यहाँ पर सेवन 740 सेवन फोर्टी अभी पिछले बारह महीने की एट तो एक लगातार सेल्स दिखाई दे रही है कंपनी लगातार यहाँ पर अपने के स्टोर्स भी ओपन कर रही है जैसे डी मार्ट करता और सेम एज एज इट इज यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जीरो करोड़ से प्रॉफिट से अभी लगभग यहाँ पर अः दस साल के अंदर अंदर पैंतालीस करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच गई है पिछले बारह महीने में तो ये सारी चीज सारी चीजें देखनी चाहिए और रिजर्व की बात करें कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व है बोरिंग की बात करें 66 करोड़ का बोरिंग भी है और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट भी कंपनी यहाँ पर पे करती है और बीच में आई थिंक इन्होंने अपनी बोरिंग यहाँ पर एटी फोर करोड़ की बोरिंग थी अभी सेप्टेम्बर में ही छह महीने में थोड़ी धीरे धीरे से यहाँ पर अपनी अः बोरिंग भी कम करी है कैश की बात करें बाईस करोड़ का कंपनी कैश भी देखिए कैश भी है कंपनी के पास यहाँ पर पा रिजर्व भी रखे हुए हैं थोड़ी सी बोरिंग यहाँ पर ज्यादा है बोरिंग बट उसमें से भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी बेहतरीन नजर आ रही है स्टोर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये सारा एक पॉजिटिव पॉइंट्स है और यहाँ पर सेवेंटी शोरूम भी है यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ तक मार्च दो तक कितनी फिफ्टी थी एक साथ ही सेप्टेम्बर में यहाँ पर इनकी बड़ी और सेवेंटी की होल्डिंग हो गई और उसके बाद शेयर आप देख सकते हैं कि आज जूम किया था इसके अलावा पब्लिक की बात करें पब्लिक में भी देख सकते हैं पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग लगातार घटती हुई नजर आ रही है ट्वेंटी सिक्स परसेंट की शेयर होल्डिंग नजर आती है पब्लिक के पास बट यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लगभग टेन परसेंट की होल्डिंग ये हो गई और टेन ये परसेंट के आसपास के शेयर ही यहाँ पर मार्केट में फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं जिसमें फिर बड़े लोग भी यहाँ पर काफी शामिल होंगे तो ये शेयर एक मैं दिखा, दिखाना चाहता हूँ कि, कि किस तरीके से काम करता है नीचे से यहाँ पर ऊपर गया ऊपर से फिर नीचे आया फिर अगेन ऊपर गया फिर यहाँ पर नीचे आया तो इसी तरीके से कंस एडिशन एज वेल एज इस सीड में ये काम करती रहती है कंपनी का जिस तरीके से बिजनेस चल रहा है जिस तरीके से काम कर रही है तो आगे के प्रोस्पेक्टस भी दिखाई देता है कि कंपनी वॉलेटाइल है ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव है यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर ही ऊपर लेके गए थे तो यहाँ पर ऑपरेटर भी काफी मायने रखेंगे क्योंकि ऑपरेटर ही नीचे लेके आए थे ऑपरेटर ही ऊपर लेके जाएंगे बट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी बेहतरीन नजर आता है थोड़ा सा विजन आपका हाई है और जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर इन फ्यूचर होता हुआ दिखाई दे सकता है अब बात कर लेते हैं कुछ टारगेट वगैरह सी पोजिशन क्यों ली गई है उससे रिलेटेड तो देखिए शेयर यहाँ पर अगर मैं इसके और यहाँ पर देख लूँ तो लगभग लगभग कितना 56, 57 परसेंट यहां पर ऑलरेडी टूट चुका है आर की बात करूं छत्तीस की आर पे ये शेयर चल रहा है और लगभग कितना फिफ्टी सेवन परसेंट का शेयर यहाँ पर ऑलरेडी टूट चुका है अगर मैं सीधा साधी देखता हूँ और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और एज वेल एज प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली ईयरली बेस पे अगर थोड़ा से टाइम में वन ये अगर एक साल के अंदर अंदर भी वन थर्टी परसेंट के रिटर्न दे, दे देता है तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न माने जाते हैं और कंपनी जिस तरीके परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है ऑपरेटर जिस दोबारा आएंगे ऑपरेटर फिर इससे यहाँ पर ऊपर की तरफ ले जाते हुए दिखाई देंगे तो मैं इतने परसेंट के इसके रिटर्न के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ मैं सिंपली यहाँ पर के लिए बैठा हुई थर्टी थर्टी सेवन परसेंट के रिटर्न हमें शॉर्ट टर्म में यहाँ पर मिल जाए ओके यहाँ पर फिर एग्जिट करेंगे फिर दोबारा एंट्री, तो एंट्री मिलेगी तो एंट्री मिलेगी तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर नजर आती है चीजें क्या नजर आती है यहाँ पर देखिए टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कहाँ पर मैं एग्जिट करूंगा कहां पर एंट्री करूंगा एंट्री ऑलरेडी ले ली है आज की डेट में बट यहाँ पर सपोर्ट की बात करता हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट क्या नजर आता है नीचे के लेवल तो नीचे के लेवल भी यहाँ पर खड़े यहाँ पर खुले हुए हैं जो कि यहाँ पर सीधे यहां पर अगर चीजें गिरी तो छह सौ रुपए का यहाँ पर लेवल है मतलब आपका पिछहत्तर रुपए नीचे आ सकता है बट ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है ओके okay, बट यहाँ पर स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है तो नीचे अगर ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो नीचे भी यहाँ पर चीजें लाई जा सकती है तो इस चीज को भी याद रखिएगा और अगर इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट से पहले चीजें मुझे लगती है यहाँ तक पहुंच जाएगी बट रिजल्ट के बाद क्या होगा वो रिजल्ट ही डिपेंड करेंगे रिजल्ट अच्छे आएंगे तो चीजें ऊपर जाएगी यहाँ पर ब्रेकआउट होते होगा और ब्रेकआउट होकर फिर जाएगी बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो याद रखिए चीजें फिर नीचे भी आ सकती है और कंसोलिडेशन कर सकती है तो इस सब चीजों को अपने माइंड में के उसके अकॉर्डिंग पोजिशन लीजिएगा आपको एंट्री भी करनी आनी चाहिए आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए और एंट्री एग्जिट आपने टाइम पे किया तो याद रखिए पैसा फिर मार्केट में बनता ही रहेगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है जितना हो सके हमारी वीडियो से सीखना है आप हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठा सकते हैं इन पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सके अगर कोई क्वेरीज है कमेंट कर सकते हैं आप हमें लाइक कर सकते हैं और इन वीडियो को जाकर यहाँ पर देखिए और सब्सक्राइब करिए और बेलाइकन को हिट कर दीजिए और शेयर करिए जितना हो सके और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस